दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। पर आज के जमाने में लोग दान वैसा नहीं करते। आज के जमाने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारा, धन तुम्हारी, दौलत तुम्हारी, संपदा तुम्हारी, सत्ता तुम्हारा, वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज एक लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता। जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है। जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी, आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता, जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो वो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी पृथ्वी बासी नहीं कहलाती, हवा बासी नहीं कहलाती, जल बासी नहीं कहलाता, अग्नि बासी नहीं कहलाता, आकाश बासी नहीं कहलाता, ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करा, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल बासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे, बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा शरीर के अंदर का मन देखता है। वो जल देखता है और मन देखता है, उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो, उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो, उसको शरीर से कोई, तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ, पर कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है, अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहाँ कितनी भी BMW खड़ी हो, भले उसके घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितने बड़े बड़े भी उसके पास में ड्राइवर खड़े हो, पर आखिरी सवारी तो कंधा ही होता है। चाहे वो पैसे वाला मरे चाहे गरीब मरे, गाड़ियां सब दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह जाती है, अंत समय परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। शिव का दरवाजा है ही ऐसा, शंकर की चौखट है ही ऐसी, शिव का द्वार है ही ऐसा, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो आया उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। बस वो तो तुम्हारे ऊपर का सुंदरता नहीं देखता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो उससे मेरे शंकर जी को कोई मतलब नहीं है, आपने क्या पहना मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका लोटा कैसा हो रहा है मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा तो ये कहता है कि तेरे लोटे में जो जल है मुझे उससे मतलब है, और तेरी इस काया के अंदर जो तेरा मन है मुझे उससे मतलब है, बाकी का किसी चीज से मुझे मतलब नहीं। क्या करूं मैं उस लोटे का? अब मालूम पड़े कई कई माताएं ऐसी भी होती है कि लोटा तो घिस रही है, साफ भी कर लिया, पर दिल, लोटा साफ कर मंदिर में पहुंच भी गई, और पहुंचने के बाद अगर वहां मंदिर में झगड़ा करे, हट हट थोड़ा साइड,
मैं नहीं चढ़ाऊं जल। बेलपत्ती चढ़ाई, इतनी देर में दूसरी उठा के ले गई, तो आंखें बंद करी थी और गुस्से में लाल हो गई, मेरी बेलपत्ती कौन ले गया? आस पास देखा, अब बता, लोटा तो तूने बहुत घिसा था पर दिल नहीं घिस पाई। अरे सोचना था तेरे को, हो सकता है तुझसे ज्यादा जरूरत किसी दूसरे को तेरी बेलपत्री की थी, इसलिए लेकर चली। लोटा घिसने से क्या होगा, दिल भी तो घिसो, मन तो साफ करो, क्लीन करो, थोड़ा मन निर्मल करिए। और मैंने